हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेखा और विकास दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक साथ ही कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी, जिसके कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और ऐसे ही एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जानने के बाद घूमने फिरने लगे। और ऐसे ही एक दिन विकास बोलता है, और क्या पसंद है तुम्हें? मुझे घूमने का बहुत शौक है। नई नई जगह पर जाना, टूर करना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम अभी तक कहाँ कहाँ पर घूमी हो? मैंने राजस्थान, पंजाब, मथुरा, पटना, मुंबई, हिमाचल, बहुत कुछ देखा है। हमारे यहाँ एक अंकल थे जो हर साल टूर पे ले जाते थे, और मैं टूर के लिए हमेशा रेडी रहती थी। तो मुझे बचपन से ही घूमने का बड़ा शौक है। अच्छा, तो तुम्हें बचपन से ही घूमने का शौक रहा है? हाँ जी। आप भी लेकर जाओगे ना मुझे शादी के बाद? हाँ जान, बिल्कुल चलेंगे, फ्लाइट से चलेंगे लेकिन हम। वाओ, कितना मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन आपको घूमना कहाँ है शादी के बाद? मुझे शिमला जाना है, वहाँ बर्फबारी देखनी है, फिर मैं वहाँ पर बर्फ की परी भी बनाऊंगी। यार, शिमला में कुछ नहीं है, हम मनाली चलेंगे, वहाँ बर्फ ज्यादा है, वहाँ तुम्हारी भी कुल्फी बन जाएगी। अच्छा, सच में लेकर जाओगी? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहाने बनाते रहो। शादी के बाद देखती हूँ तुम्हें। वैसे ये मेरा खुद का शौक है, तो इसे मैं खुद भी पूरा कर सकती हूँ। मैं अकेले भी जा सकती हूँ। ओहो, बातें करते करते मैंने देखा ही नहीं कितना वक्त हो गया है। चलो, अब हमें घर भी चलना चाहिए। तुम अपने घर पर कब बात कर रही हो हमारी शादी की? यार, जल्दी शादी कर लेते हैं, कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम नहीं कर सकती तो मैं आ जाता हूँ घर बात करने के लिए तुम्हारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वक्त दो, मैं जल्दी ही बात कर लूँगी। चलो अच्छा है, मैं तुम्हें अब घर छोड़ देता हूँ, और याद से बात कर लेना। यार, उम्र निकल रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो 55 साल के हो गए हैं, दांत गिर गए आपके, बुड्ढे हो गए हैं। ओहो, मैं इतने बुड्ढे इंसान से शादी क्यों कर रही हूँ? मैं अपना हम उम्र स्मार्ट सा कोई अच्छा लड़का ढूंढ लूँगी। ज्यादा मत बोलो, लगता है तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी। चलो बैठो, अब लेट नहीं हो रही हो। विकास रेखा को उसके घर छोड़ने जाता है। कुछ दिनों में रेखा अपने घर पे विकास के बारे में बता देती है, और विकास भी अब इंजीनियर बन गया था। दोनों ने अपने अपने घर बात कर ली, और दोनों की फैमिली शादी के लिए मान गई थी। कुछ समय बाद विकास के घर से उसके मम्मी पापा रेखा के रिश्ते के लिए आते हैं, और रेखा को पसंद करके उसकी शादी विकास से तय कर देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद दोनों की शादी विधि विधान से कर देते हैं। रेखा और विकास घर आ जाते हैं, जहां पर उसकी सास सुमित्रा चावल से भरे कलश को रखते हुए अपनी बहू को बोलती है, बहू, कलश को गिराकर अपने शुभ कदमों से घर में प्रवेश करो। रेखा घर में प्रवेश करती है, जिसके बाद वो अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद विकास का भाई रवि, जो कि उसकी बुआ का लड़का था, उनके घर आकर बोलता है, भाई कहाँ हो सब? विकास भाई कहाँ हो? ओहो भाई, कैसे हो? अबे पहले ये बता, तू शादी में क्यों नहीं आया? बस भाई, गुजरात गया था SSC के पेपर देने को। वैसे मेरी भाभी कहाँ है, कहाँ छुपा रखा है तुमने? अंदर ही बैठी है। चल रेखा, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। आजा भाई, छुपा रहेगा क्या, भाभी से मिल ले अपनी। हेलो भाभी, कैसे हो आप? भाई ने बताया तो होगा मेरे बारे में। वैसे आप बताइए, सब बढ़िया? हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया। आप बताओ, शादी में क्यों नहीं आया? बस ऐसा ही भाभी, पेपर के चक्कर में नहीं आ पाया। चलो आपको घुमा के लाता हूँ। ओ भाई, सबसे बड़ी शौकीन है घूमने की, बहुत शौक है घूमने का तेरी भाभी को। अच्छा, फिर तो हमारी बहुत पटेगी, क्योंकि मुझे भी घूमने का बहुत शौक है। चलो फिर कहीं घूमने चलते हैं हम सब। अबे क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? भाभी देख रहे हो ना भाई को, अब मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, कोई नहीं। चल चल, अब भाभी से बातें कम कर, नाश्ता कर ले, बहुत देर हो गई तुझे आए हुए। मैं तो भाभी के हाथ का खाना खाऊंगा, कब खिला रहे हो भाभी फिर? आज हलवा बनाना ही है शाम को, आप ब्रेकफास्ट करो, शाम को मैं आपको हलवा खिलाती हूँ। रवि और विकास नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। नाश्ता करके जब विकास अपने कमरे में जाता है, तभी रेखा विकास को बोलती है, विकास हम घूमने कब जाएंगे और कहाँ जाएंगे? यार अकेले जाना सही नहीं है, और मजा भी नहीं आएगा, एक दो कपल और जाएंगे तो मजा आ जाएगा। मतलब
अब हम किसी की शादी होने का वेट करें? किसी की शादी होगी तब हम घूमने जाएंगे। सीधा सीधा मना कर दो ना, बहानेबाजी क्यों कर रहे हो? यार बहाने नहीं मार रहा, अकेले जाना खतरे से कम थोड़ी होता है। बाहर लोग लूटने वाले बहुत होते हैं, दो तीन कपल होंगे तो अलग ही बात होगी। रेखा मुंह फुलाकर गुस्से में अपने कमरे से बाहर आकर बैठ जाती है। तभी रवि बोलता है, क्या हो गया भाभी? मम्मी पापा की याद आ रही है क्या आपको? अरे आप सेट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती भाभी, घर थोड़ी दूर तो है आपका। चलो कहीं घूम के आते हैं, हिमाचल लेके चलता हूँ आप लोगों को। झरने हैं वहाँ पे, नदियाँ हैं, पहाड़े हैं, बहुत है। आप दोनों झरने के नीचे नहाना और मैं आपकी फोटो क्लिक करूँगा, मैं बहुत अच्छी फोटो क्लिक करता हूँ। फिर कभी चलेंगे, आप भी शादी कर लो, इकट्ठे चल देंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे भाभी मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी मेरी शादी करने की उम्र थोड़ी है। लेकिन आप कहो तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ले चलता हूँ। हाँ जी जरूर, शाम हो गई, मैं हलवा बनाने जा रही हूँ। रेखा हलवा बनाने रसोई में जाती है। कुछ देर बाद हलवा बनाकर वो सबको दे देती है। जहाँ पर उसकी सास सुमित्रा हलवा खाकर बोलती है, अरे वाह बहू, बहुत अच्छा बना है हलवा। अच्छा विकास और तू कहीं घूमने नहीं जा रहे क्या? जाएंगे मम्मी जी, जब कोई साथ होगा। साथ की क्या जरूरत है, मैं हूँ, रवि है, तुम दोनों हो। अभी भी कम पड़ रहे हैं तो तेरी ननद को बुला ले। क्या यार कुछ भी बोले जा रही है, पिकनिक मनाने थोड़ी ना जा रहे हैं। हम भी चले का राग छो रखा है। अरे हनीमून पर कौन साथ में जाता है, इतनी समझ तो इन्हें होनी चाहिए। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं अभी आती हूं। रेखा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद रेखा के पास उसकी फ्रेंड जानवी का कॉल आता है और वो रेखा को बोलती है, और डार्लिंग कैसी है तू, भूल ही गई है तू तो मुझे ससुराल जाकर? लगता है जीजू ने कोई जादू कर दिया है, अब मेरी याद भी नहीं आती। ऐसा नहीं है पागल, तू ही याद कर लिया कर अगर मैं भूल जाती हूँ तो। मैंने किया है तभी तो बात हो रही है। और बता कहाँ घूमने जा रही है अब तू? अभी तो कहीं नहीं, बस जल्दी जाऊंगी। क्या अभी तक घूमने नहीं गई तू? मुझे तो लगा था कोई गोवा या बढ़िया जगह गई होगी। तुझे तो शादी से पहले भी घूमने का बड़ा शौक था, लंबे लंबे टूर पर जाती थी। तो क्या हुआ, अभी भी जाऊंगी, बहुत टाइम पड़ा है। और बता सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है, तू सुना अपने हाल चाल। हाँ हाँ सब बढ़िया, चल मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी सासू माँ बुला रही है। रेखा इतना बोलकर जानवी का कॉल रख देती है और शाम को विकास भी घर आता है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर सोफे पर बैठ जाता है। रेखा विकास के आने पर पानी का ग्लास लेकर उसे देती है और विकास के पानी पीने के बाद वो बोलती है, विकास आप और मैं कहीं घूमने जाएंगे या नहीं? मेरा बड़ा मन कर रहा है। आपको पता है आज मेरी दोस्त जानवी का कॉल आया था, वो भी मुझसे पूछ रही थी। अरे मैं कितने बहाने बनाती फिरूं, आप दो चार दिन की छुट्टी ले लो ना, हम चलते हैं घूमने। यार तुमको समझ नहीं आती क्या, तुमको बताया तो था अभी नहीं जा पाएंगे, सब होते हो अलग ही मजा आता है, ऊपर से काम की टेंशन, छुट्टी मिलनी भी मुश्किल है। तो शादी से पहले बड़े बड़े झूठे झूठे वादे क्यों किए थे? बेबी हम फ्लाइट पे घूमेंगे, बेबी हम यहाँ जाएंगे, बेबी हम वहाँ जाएंगे, बेबी तो सारा दिन घर में ही पड़ी रहती है। अरे तुम्हारी मम्मी को मैंने मना लिया, रवि को मैंने मना लिया, तुम्हारी बहन को भी एग्री कर लिया, लेकिन मजाल है जो तुम्हारे पास दो दिन की भी फुर्सत हो। एक काम करते हैं, तुम कहीं मत जाओ, हम ही चले जाते हैं। लगता है गुस्सा हो गई यार, छुट्टी लेकर जाना ही पड़ेगा, अपनी जान को किसी और के साथ कैसे घूमने जाने दे सकता हूँ? आखिर मेरा फर्ज है उसे खुश रखना, घुमा लाता हूँ। बोलो जान कहाँ चलना है, हम वहीं चलेंगे, मनाली पसंद है ना तुम्हें, हम दोनों वहीं चलेंगे, बस खुश। जान तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू। आखिरकार विकास रेखा को टूर पर ले जाने के लिए मान जाता है और दोनों फ्लाइट की टिकट्स बुक करवा के मनाली शिमला के लिए निकल जाते हैं और हर छुट्टियों में दोनों अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं टूर पर जरूर जाते। शाम के समय साक्षी मेहंदी फंक्शन में जाने के लिए शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को सवार रही होती है, तभी कार्तिक उसे ऐसे सजता हुआ देखकर कहता है, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? अपनी सौतन की मेहंदी में अपने हाथों से उसके हाथ रचाने जा रही हूँ, तुम्हें भी चलना है? तुम्हारा ना दिमाग ठिकाने पर नहीं है, कितनी बार कहा है कि संजना तुम्हारी सौतन नहीं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? फिर क्यों उसे निहारते रहते हो, कोई जवाब है इस बात का? नहीं ना तो फिर चुप ही रहो। इतना बोलकर वो फंक्शन में जाने के लिए निकल जाती है। आखिर कौन थी साक्षी की सौतन और क्यों वो सौतन की मेहंदी में जा रही थी, आइए जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं।
एक रात कार्तिक अपने कमरे की खिड़की से सामने वाले घर की ओर देख रहा होता है, तभी उसकी पत्नी साक्षी वहाँ आती है और उसे यूँ खिड़की से झांकता हुआ देखकर बोलती है, खाना अच्छे से नहीं ठूसा जो हवा खाने की नौबत आ गई। रात हो गई है, खिड़की बंद करो, हवा के साथ धूल मिट्टी भी आ रही है। हाँ हाँ कर रहा हूँ। कार्तिक जैसे ही खिड़की बंद करने जा रहा होता है, तभी सामने वाले घर की लाइट्स ऑन होती है और खिड़की पर सुंदर सी लड़की संजना आकर खड़ी होती है। उसे देखकर कार्तिक की आंखें चमक जाती है और वो मुस्कुराकर उसे देखने लगता है। तभी साक्षी कहती है, लगता है खिड़की तुड़वा कर दीवार चुनवानी पड़ेगी। वो हवा तेज चल रही है ना, तो बार बार खिड़की खुल रही है। ठीक है करता हूँ बंद। हवा का तो पता नहीं, पर तुम बहुत तेज चल रहे हो आजकल। वैसे कमरे में सोने का इरादा ना हो तो खुली रखो खिड़की। उसके इतना कहते ही कार्तिक फट से खिड़की बंद करके बिस्तर पर पसर जाता है और साक्षी भी मुंह बनाते हुए लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। साक्षी और कार्तिक की शादी हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर कार्तिक अपने पहले प्यार संजना को बिल्कुल भूल ही नहीं पाया था, जो उसके घर के सामने रहा करती थी। उसे अभी तक भूल पाना उसके लिए मुश्किल था और इस बात से साक्षी भी अनजान नहीं थी। लेकिन हर पत्नी की तरह साक्षी भी अपने पति को किसी और औरत के बारे में सोचता देखकर परेशान रहा करती थी। एक सुबह हॉल में बैठकर सभी चाय पी रहे होते हैं, तभी संजना अपनी माँ के साथ हाथ में शादी का कार्ड लिए वहाँ आती है। संजना तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। ये यहाँ कैसे क्यों टपक पड़ी। हाँ हाँ संजना आओ, एक काम करो आंटी को दरवाजे पर ही छोड़ कर आ जाओ। अरे पड़ोसी आए हैं घर में, क्या बात है चंदा, आज सुबह सुबह घर कैसे आना हुआ। कावेरी बहन, संजना की शादी तय हो गई है तो बस उसी का कार्ड देने चली आई। ला संजना कार्ड तो दे। अरे वाह आंटी, सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर सुनाकर आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। शादी मुबारक हो संजना। चलो ये शादी करके यहाँ से खिसकेगी तो मेरे सर से सौता नाम की बला तो टलेगी और फिर कार्तिक के लिए इसे भूलना और आसान हो जाएगा। क्या बात है, शादी मेरी होने जा रही है, खुशी के मारे तुम उछल रही हो। वो तुम्हारी शादी का सुनकर मुझे अपने दिन याद आ गए जब मेरी शादी कार्तिक से होने वाली थी। वैसे शादी का कार्ड तो दिखाओ। इतना कहकर साक्षी कार्ड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन संजना कार्ड उसे ना देकर कार्तिक के हाथ में थमा देती है। दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और एक दूसरे की आंखों में दोनों देखने लगते हैं। तभी साक्षी मन में कहती है, देखो तो जरा दोनों को कैसे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं एक दूसरे को। अरे दोनों की माँ यहाँ खड़ी है, उस बात की भी शर्म नहीं है। चलो अच्छा है चंदा, अब मेरे कार्तिक की तरह तेरी संजना का भी घर बस जाएगा। शादी में तो हम जरूर आएंगे। शादी में नहीं बल्कि हर रस्म में शामिल होगी और मेहंदी पर तो खास तौर पर। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा हम चलते हैं। अरे संजना कार्ड दे दिया हो तो हाथ छोड़ दो कार्तिक का, और आप संजना को बधाई दीजिए ना। मैं यहाँ बधाई लेने नहीं बल्कि कार्ड देने आई हूँ, वैसे भी अभी शादी में टाइम है। इतना कहकर वो अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है और कार्तिक वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। एक रात फिर कार्तिक खिड़की के आगे खड़ा संजना को देख रहा होता है और संजना भी उसे देख रही होती है। तभी साक्षी गुस्से में आकर कार्तिक को साइड करते हुए संजना से कहती है, क्या कोई तमाशा चल रहा है क्या, जो तकते ही जा रही हो, जाकर शादी की तैयारियां कर लो। मेरी आंखें, मैं जहां मर्जी देखूं, जिसे मर्जी देखूं, तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है। अच्छा ठीक है अब तकती रहे। इतना कहकर वो जोर से खिड़की बंद कर देती है और कार्तिक को घूरते हुए कहती है, तुम्हारा दिल ना तुम्हारे दिमाग पर भारी होता जा रहा है, तुम फिर उसे देख रहे हो। अरे 4 दिन की मेहमान है वो, 4 दिन की भी क्या, आज हल्दी हो गई, कल मेहंदी है, परसों शादी, फिर निकल लेगी वो। अरे अब तो अपने दिल से उसे निकाल दो। क्यों वो करने को कह रही हो जो मैं नहीं करना चाहता, तुम अपना ये फालतू गुस्सा कहीं और जाकर दिखाओ। फालतू गुस्सा, तुम्हें मेरा गुस्सा फालतू लगता है। अरे जिसका पति उसकी सौतन को ऐसे कमरे की खिड़की से निहारता हो उस पत्नी का गुस्सा तुम्हें फालतू लगता है। कोई नहीं निहारो, खिड़की खोलकर एक बार और ताड़ लो, 2 दिन बाद किसे ताड़ोगे मैं भी देखती हूँ।
इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन सुबह के 8 बजे के करीब संजना की माँ चंदा परेशान होकर कावेरी से मिलने आती है और कहती है, कावेरी एक मदद चाहिए तुमसे। हाँ हाँ चंदा बोल, क्या बात है? वो रात को मेहंदी वाली का फोन आया था, उसे कहीं जाना पड़ रहा है जरूरी काम से। वो संजना की मेहंदी नहीं लगा पाएगी, इतनी जल्दी में मैं दूसरी मेहंदी वाली कहाँ से लाऊंगी, इसलिए तू किसी मेहंदी वाली को जानती है तो बता। अरे बस इतने से बात बताओ, ये तो बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा वाली बात हो गई। अरे मेरी बहू को आती है मेहंदी लगाने, वो रचा देगी संजना के हाथ। पर क्यों नाना, मुझे तो मेहंदी लगाने भी नहीं आती। क्यों झूठ बोल रही है? शादी से पहले तेरी माँ ने तेरे सारे हुनर का बखान किया था मेरे सामने। चंदा तू चिंता मत कर, संजना के हाथ यही रचाएगी। हे भगवान, क्या जबरदस्ती है। साक्षी अपनी सास के साथ संजना के घर पहुंचती है और उसका पूरा घर सजा हुआ था और संजना भी तैयार होकर बैठी होती है। तभी चंदा कहती है, अरे आ गए तुम लोग, चलो अब मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। आजा कावेरी की बहू, संजना को मेहंदी लगाना शुरू कर। हाँ बहू, और सुन बिल्कुल अच्छे से हाथ रचाइयो संजना के। हाँ हाँ क्यों नहीं सासू माँ, संजना के क्या, मैं तो यहाँ सबके मेहंदी लगा दूंगी, आखिर मेहंदी लगाने ही तो आई हूँ मैं यहाँ। इतना कहकर वो संजना के हाथ में मेहंदी लगाने लगती है और कुछ देर में ही वो उसके दोनों हाथ रचा देती है और संजना मेहंदी सुखाने के लिए कमरे में चली जाती है। सभी औरतें खुशी से नाच गा रही होती है। तभी साक्षी वॉशरूम ढूंढते हुए संजना के कमरे के पास से गुजरती है और संजना के साथ कार्तिक को देखकर हैरान हो जाती है। तभी संजना कहती है, भले ही तुम्हारी शादी हो चुकी है लेकिन मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक, अभी भी देर नहीं हुई है, इससे पहले कि मेरी शादी हो जाए तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। कार्तिक इससे मिलने यहाँ तक आ गए, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मैं ही पागल थी जो अब तक ये सब बर्दाश्त करती रही। बिल्कुल नहीं, तुम मेरा पहला प्यार हो जिसकी वजह से मैंने साक्षी का बहुत दिल दुखाया, लेकिन इससे आगे बढ़कर मैं उसे और दुखी नहीं कर सकता। मैं तुमसे यहाँ बस आखिरी बार मिलने आया था, बस कोशिश करना मुझे भूलने की। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ आँखों में आंसू लिए साक्षी खड़ी है जो एकदम से उसके गले लग जाती है। शादी के बाद लवीना और सैम बेड पर बैठे एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं और सैम उसके करीब जाने ही लगता है। तभी लवीना उससे कहती है, सैम पहले ग्लास में रखा दूध तो पी लो, इतनी बेताबी भी अच्छी नहीं है। ओ बेबी, यू नो आई डोंट लाइक मिल्क, इसकी जगह तुम मुझे ड्रिंक ऑफर कर सकती हो। ओहो सैम, ये अमेरिका नहीं इंडिया है, और फिर तुम अपनी पत्नी की बात नहीं मानोगे, चलो जल्दी से दूध का ग्लास खाली करो। प्लीज डोंट फोर्स मी बेबी, अभी मेरा फोकस ओनली तुम हो, सो कम क्लोज एंड हग मी। हाँ 2 मिनट वेट करो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ इतना कहकर लवीना वॉशरूम की तरफ चली जाती है और काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो बाहर नहीं आती तो उसका इंतजार करते करते सैम दूध पीकर गहरी नींद में सो जाता है। सुबह जब वो आंखें खोलता है तो किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। तभी वो हॉल की तरफ जाकर देखता है तो लवीना की माँ हॉल में जोर जोर से रो रही होती है और उसके साथ पुलिस भी आई होती है। तभी सैम कहता है, What's wrong with you, mother in law? आप ऐसे क्यों क्राई कर रही हैं? और सुबह सुबह घर में पुलिस? इनका कहना है कि शादी के पहले ही दहेज की बहुत बड़ी डिमांड थी आपकी, जिसके पूरा ना होने के कारण आपने इनकी बेटी को गायब कर दिया। नो नो इंस्पेक्टर, आई डोंट नो वेयर इज शी, वो रात को वॉशरूम में गई, उसके बाद आई सडनली फॉल अस्लीप और फिर अब मेरी आईज खुली हैं। लवीना ऐसे कैसे घर से गायब हो सकती है? साहब हो ना हो इन दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरी बच्ची को गायब किया है ताकि मुझ गरीब से पैसों की डिमांड कर सके, इन्हें पकड़ लीजिए। अरे रुको रुको, पागल हो गई हो क्या, हम क्यों तुम्हारी बेटी को गायब करने लगी? अरे हमने तो दहेज तक की मांग नहीं की थी। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है, इसकी बेटी कहाँ गई हमें नहीं पता। देखिए इनकी बेटी के साथ साथ आपकी बहू भी गायब हुई है और वो भी आपके ही घर से, इसीलिए पुलिस स्टेशन तो आपको चलना ही होगा। जेल जाने की बात सुनकर ही
कावेरी और सैम के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी कावेरी कहती है, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें जेल नहीं जाना। ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या जिससे हमें जेल ही ना जाना पड़े? देखिए लड़की गायब हुई है इनकी, लेकिन ये चाहे तो आपके साथ सेटलमेंट कर सकती है, आपको जेल जाने से बचा सकती है। पुलिस के कहने पर कावेरी रजनी के आगे हाथ पैर जोड़ती है और रजनी उससे लवीना के गायब होने के बदले 4 लाख कैश लेकर सेटलमेंट की बात कहती है। इतनी बड़ी रकम सुनकर कावेरी और सैम हैरान हो जाते हैं, लेकिन जेल जाने के डर से वो उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं और रजनी पैसों से भरा बैग लेकर कहती है, वैसे ये पैसे मेरी बेटी की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जरूरत को पूरा जरूर कर सकते हैं। चलिए साहब। इतना कहकर रजनी और इंस्पेक्टर वहाँ से चली जाती है और सैम अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रजनी कैश से भरा बैग लेकर एक छोटे से घर में जाती है जहाँ लवीना शादी का जोड़ा पहने सोफे पर पसरी होती है और उसके आते ही कहती है, आ गई माँ, माल लाई के नहीं? बिना माल लिए मैं कभी आई हूँ क्या? इस बैग में भरा पड़ा है पैसा। सही है, अरे दुनिया में पैसा ही भगवान है, पैसे के आगे कुछ नहीं है। इस अमेरिकन मुर्गे को लूट कर तो हम करोड़पति हो गए हैं, इसलिए अब अगला शिकार कुछ दिनों के इंतजार के बाद पकड़ेंगे। और क्या, जल्दी किस बात की है? इतना कहकर दोनों हंसने लगती है। लवीना एक लुटेरी थी जो विदेश से आए लड़कों को अपने जाल में फंसा कर उनसे शादी करने के बाद लड़कों के घर वालों को अलग अलग तरीके से लूटा करती थी। अब तक तो वो 10 से 15 लड़कों को अपना शिकार बना चुकी थी और सैम भी उन्हीं में से एक था। समय बीतता है और लवीना को NRI बिजनेसमैन आयान सिंघानिया के बारे में एक मैगजीन से पता चलता है और वो उसे अपना बकरा बनाने के लिए निकल पड़ती है। आयान सुबह अपनी गाड़ी से ऑफिस की ओर जा रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है और जैसे ही वो अपने एक हाथ से फोन उठाने की कोशिश करता है तभी लवीना उसकी कार के सामने आकर सड़क पर गिर जाती है। तभी आयान खुद से कहता है, ये कौन सुबह सुबह आत्महत्या करने निकला है? Let me check। इतना कहकर आयान कार से बाहर आता है। सुबह सुबह मरने निकली हो क्या? और मरने निकली भी तो सड़क पर, क्या मेरी गाड़ी तुमको दिख रही है जो देखते ही कूद पड़ी? ये साला तो बड़ा अकड़ू मालूम पड़ता है, पर कोई नहीं, इसे फंसाने के लिए अकड़ भी सहनी पड़ेगी। ओह सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा कहाँ चल रही हूँ। ठीक है, पर तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है, चलो मैं तुम्हें अपने कार से क्लीनिंग ले चलूँ। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, आप तकलीफ मत कीजिए। बहुत बढ़िया, तुम पहले ही मेरे कार के आगे कूद के मुझे बहुत परेशान कर चुकी हो, अब ये आंसू बहा के भोली बनने का नाटक मत करो, चलो चुपचाप कार में बैठो। मन तो कर रहा पत्थर उठा के साले के सर में मार दूं। बैठ रही हूँ। आयान उसे संभल कर गाड़ी में बैठा देता है और दोनों क्लिनिक पहुँचते हैं। डॉक्टर लवीना के पैर पर पट्टी करता है तो वो दर्द के कारण आयान का हाथ कस कर पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी आयान कहता है, बस करो घूरना, माना स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी घूरता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है वो तो। इट्स ओके, घबराओ मत, वैसे लड़कियाँ मुझे देख के घबरा ही जाती है। अभी खुद घर जाओगी या फिर ड्राइवर बन के मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ? थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर लवीना गुस्से से मुंह बनाकर चली जाती है और उसी गुस्से में सोफे के तकिए को जमीन पर पटक कर कहती है, इतने लड़कों को लूटा है मैंने, लेकिन आज तक इसके जैसा घमंडी बकरा नहीं देखा, आज तक लवीना को किसी ने अकड़ नहीं दिखाई। समय बीतता है और लवीना किसी न किसी बहाने आयान से टकरा जाया करती। एक दिन कॉफी कैफे में जगह ना होने के कारण दोनों एक ही टेबल पर बैठकर कॉफी पी रहे थे, जिसके चलते दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। समय के साथ लवीना उसे अपने प्यार में पागल करके उसकी माँ से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तभी उसकी माँ मंजू कहती है, मानना पड़ेगा नालायक, लड़की तो तूने एकदम खरी पसंद की है। वैसे लवीना, तुम्हारे घर में कौन कौन है? पापा तो नहीं रहे, बस माँ ही है और वही मेरा ख्याल रखती है। इतनी गरीबी होने के बाद भी उन्होंने मुझे परवरिश बहुत अच्छी दी है। वो तो दिख ही रहा है,
चलो फिर उनसे बात करके चट मंगनी और पट ब्याह का मुहूर्त निकलवाते हैं। मंजू की ये बात सुनकर लवीना को अपना प्लान सफल होता नजर आता है। कुछ दिनों बाद दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है। शादी की रात अयान गुलाब का फूल लिए कमरे में आता है और लवीना को देता है। लवीना उसकी खुशबू लेते ही बेड पर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अयान के नहीं बल्कि अपने घर में होती है, जहां रजनी सर पकड़कर बैठी होती है और उसकी अलमारी से सारा लूटा हुआ कैश और गहने गायब होते हैं। कभी वो टेबल पर पड़ा कागज का टुकड़ा उठाती है और उसे पढ़कर कहती है, लुटेरी बहू इस बार तू ही लुट गई, तेरी लुटेरी सास मंजू। ये नहीं हो सकता, मुझ लुटेरी को कोई कैसे लूट सकता है? जिसे मैं अपना बकरा समझ रही थी उसने मेरी ही बलि दे दी। नहीं, मेरा पैसा। कभी नहीं सोचा था कि तुझ जैसी लुटेरी को भी कोई लूट सकता है। लवीना जो लुटेरी दुल्हन बनकर अमीर लड़कों को लूटा करती थी, उसे भी कोई लूट सकता है, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने सारे लुटे पैसे किसी और के लूटे जाने के कारण उसकी तो जैसी दुनिया ही उजड़ जाती है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।